हेलो गाइस, इस वीडियो में बताऊंगा ब्लॉगर की डैशबोर्ड में अगर आपका भी सर्च डिस्क्रिप्शन शो नहीं कर रहा है या मिसिंग है तो उसे कैसे इनेबल कर सकते हैं। सिंपली आपको ब्राउजर पे आ जाना है, अपने यहाँ पे आपको ब्लॉगर का डैशबोर्ड ओपन कर लेना है। तो फ्रेंड्स, ब्लॉगर का डैशबोर्ड ओपन करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ सर्च डिस्क्रिप्शन में क्या होता है। जैसे आपने कोई सा भी कीवर्ड सर्च किया, जैसे यहाँ पे मैं अपनी वेबसाइट का कीवर्ड सर्च कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने अपनी वेबसाइट का कीवर्ड सर्च किया और यहाँ पे मैं स्क्रॉल करूँ तो यहाँ पे दिखते हैं ये जो लिख के आ रहा है ये सर्च डिस्क्रिप्शन कहलाता है। इसे मेटा डिस्क्रिप्शन भी कहते हैं। इसके कारण आपकी पोस्ट रैंक करती है। अगर आप ये जितना अच्छा सर्च डिस्क्रिप्शन लिखते हैं उतने ही गूगल के रोबोट्स को पता चलता है कि आपका किस रिलेटेड पोस्ट आर्टिकल है। तो इसलिए आपको सर्च डिस्क्रिप्शन इनेबल करना जरूरी है, इसी कारण आपकी पोस्ट रैंक करेगी। अगर आप सर्च डिस्क्रिप्शन नहीं लिखते तो आपकी पोस्ट रैंक नहीं करेगी। अब बात करते हैं इसे कैसे इनेबल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपको मैं एग्जांपल के लिए दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने पोस्ट ओपन कर ली और यहाँ पे दिखते हैं अभी यहाँ पर आपको कोई से भी सर्च डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन शो नहीं कर रहा। अब आप कैसे इनेबल कर सकते हैं। सिंपली आपको ब्लॉगर के डैशबोर्ड पे जाना है। अब आपको जो सी भी वेबसाइट का वो सर्च डिस्क्रिप्शन ऑन करना है तो आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे यहाँ पे मुझे एबीएडी न्यूज़ का सर्च डिस्क्रिप्शन ऑन करना है तो यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब आपको सेटिंग पे क्लिक करना है। जैसे यहाँ पर आप सेटिंग पे क्लिक करेंगे आपको स्क्रॉल करना है। जैसे मैंने आपको बताया था शुरू में ही सर्च डिस्क्रिप्शन मेटा डिस्क्रिप्शन भी कहते हैं। यहाँ पे आपको मेटा डिस्क्रिप्शन सर्च करना है। यहाँ पे इसे मेटा टैग्स, यहाँ पे इसे मेटा टैग्स को आपको इनेबल करना है। इनेबल करने के बाद यहाँ पर आपको सर्च डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करना है और आपको अपने आर्टिकल या अपनी वेबसाइट से रिलेटेड यहाँ पे कुछ कीवर्ड ऐड कर देना है। तो यहाँ पे इसे मैक्सिमम यहाँ पे 150 कीवर्ड ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ। यहाँ पे मेरा टैग का है तो यहाँ पे मैं टैग लिख देता हूँ। टिप्स एंड ट्रिक भी मैं पोस्ट करता हूँ तो यहाँ पे मैं टिप्स एंड ट्रिक भी लिख देता हूँ। ऐसे ही यहाँ पर आपको 150 कीवर्ड ऐड कर देना है और सेव कर देना है। जैसे ही यहाँ पर आप सेव कर देंगे अब यहाँ पर आप पोस्ट पर जाएंगे और आप अपनी पुरानी से पुरानी पोस्ट भी देखेंगे तो आपका सर्च डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन इनेबल हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे देखते हैं। अब यहाँ पे आप वो जो है मेटा डिस्क्रिप्शन या सर्च डिस्क्रिप्शन यहाँ पे आप 150 में कीवर्ड ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे वेबसाइट में आपको देखने को मिल जाता है, यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे आप जितने ये मेटा डिस्क्रिप्शन देख रहे हैं ये सब मेटा डिस्क्रिप्शन है सर्च डिस्क्रिप्शन। तो यहाँ पे आप सिंपली ऐड करके अपनी वेबसाइट को रैंक करा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए।